नमस्कार भवप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 में पटना कोइलवर एलिवेटेड रोड पर दौड़ेंगी गाड़ियां। छठे चरण में बचे हुए प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए इस दिन होगी काउंसलिंग। 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए इस दिन से चलेगा प्रवेशोत्सव अभियान। एक साल में 64,799 नवविवाहित जोड़ों को दिए गए पहली किट। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में जल्द करवा ले सुधार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण में बचे हुए प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए इस दिन होगी काउंसलिंग। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन से जुड़ी वैसे नियोजन इकाइयां जहां विभिन्न वजहों से अभी तक काउंसलिंग नहीं हो सकी है, उन अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया 1, 2 और 4 जुलाई को सम्पन्न होने जा रही है। काउंसलिंग के बाद 18 से 22 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में बीते दिन काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग 1 जुलाई को होगी। ये काउंसलिंग कक्षा 6 से 8वीं वर्ग के शिक्षक पद के लिए होगी। 2 जुलाई को प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में जल्द करवा ले सुधार। बिहार में निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों के गठन और मतदाता सूची निर्माण की अंतिम तैयारियों में जुटा है। इसकी प्रक्रिया जुलाई में पूरी कर लेने की उम्मीद है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है, वो इसके लिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूची में जिनके नाम गलत है या जिनको अपना नाम दूसरे निकाय की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना है, वो इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही इसकी प्रक्रिया बंद हो जाएगी और वो निकाय चुनाव में मतदान से वंचित हो जाएंगे। मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन को लेकर दावा आपत्ति की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली गई है। हालांकि इनके मतदाता अब भी आवेदन कर सकते हैं। 2024 में पटना कोइलवर एलिवेटेड रोड पर दौड़ेंगी गाड़ियां। बिहार सरकार सड़क, पुल, हाईवे के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच एक और एलिवेटेड रोड का निर्माण इस साल मॉनसून के बाद शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना से कोइलवर तक करीब 24 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड रोड का निर्माण इस साल मॉनसून के बाद शुरू हो जाएगा। साथ ही इसमें 2024 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस सड़क के DPR को मंजूरी मिल चुकी है। इस सड़क के बनने से पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद आने जाने वालों को सीधा फायदा होगा। इस सड़क के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन जुलाई में टेंडर के माध्यम से होगा। BPSC पेपर लीक में SIT को मिली अहम जानकारी। BPSC 67वीं पेपर लीक मामले में आए दिन EOU और SIT की टीम अहम खुलासे कर रही है। इस बीच BPSC पेपर लीक मामले में पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद SIT को कुछ अहम जानकारियां मिली है। ये पता चला है कि बिहार के बाहर दिल्ली और UP के भी कुछ लोग इसमें शामिल है। इस पूरे पेपर लीक मामले में राज्य के बाहर के लोगों की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही है। इनके पास परीक्षा शुरू होने के पहले सुबह करीब 11 बजे ही प्रश्न पत्र पहुंच गया था। दिल्ली में जिस तरह से अभिषेक त्रिपाठी सॉल्वर की भूमिका में था, इसी तरह से कुछ अन्य स्थानों पर भी सॉल्वर की भूमिका में कुछ लोग थे और यहां से 2-3 लड़कों को परीक्षा में भेजा गया था। इनसे जुड़ी कुछ अहम जानकारी SIT के हाथ लगी है। महानगरों में भी मीठी लीची का मिठास, घोल रही है जीविका दीदी। बिहार की पहचान शाही लीची के उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में जीविका दीदियों ने साल 2013 में अपना कदम रखा। कंपनी का संचालन जीविका दीदियां करती हैं। इसके बाद से वो बिहार की मीठी लीचियों का मिठास वो देश भर में घोल रही हैं। लीची उत्पादन और उसकी मार्केटिंग का कार्य समर्पण जीविका महिला उत्पादक कंपनी मुजफ्फरपुर की तरफ से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये छोटी शुरुआत आज लीची उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा नाम बना चुकी है। इस साल कंपनी की तरफ से अब तक 30 टन से ज्यादा लीची का उत्पादन और बिक्री की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जीविका दीदी की लीची देश के सभी बड़े शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में बिक्री के लिए उपलब्ध है। 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए इस दिन से चलेगा प्रवेशोत्सव अभियान। बिहार शिक्षा विभाग 8वीं पास सभी विद्यार्थियों को 9वीं में नामांकन के लिए विशेष अभियान चला रही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाए जाने की बात कही गई है। इनमें कक्षा 8वीं पास करने वाले सभी बच्चों का नामांकन हर हाल में होना चाहिए। साथ ही जो बच्चे 3 से 5 दिन स्कूल नहीं आए हैं तो शिक्षकों को उनके अभिभावकों से संपर्क करना होगा। बच्चों की स्कूल वापसी हर हाल में करानी होगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बीते दिन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान के सभागार में राज्य भर के शिक्षा पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है। गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर। गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपने समय पर प्रवेश करेगा। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जारी अपडेट में 14 जून से इसका असर दिखने की उम्मीद है। 13 जून को कुछ जगहों पर तो 14 जून को बिहार के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 15 जून को बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आज भी हीट वेव चलने की खबर आई है, लेकिन अगले दिन बारिश होने से गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है खनन विभाग।
बिहार में खनन विभाग अभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। खनन विभाग में अभी कुल 70% कर्मचारी और लगभग 50% तक अधिकारियों की कमी इस विभाग में बताई जा रही है। इससे बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया, बालू के अलावा अन्य खनिजों के खनन के लिए विभागीय प्रक्रिया, राजस्व वसूली और नियमित मॉनिटरिंग जैसे कार्य बुरी तरह से प्रभावित है, जिसमें भी अधिसंख्य गतिविधियां खान विभाग की बालू खनन में ही सिमट कर रह गई है। आज भी राज्य में महज 16 जिलों में बालू का खनन हो पा रहा है, अभी वो भी बंद है, जबकि 29 जिलों में बालू की उपलब्धता है और पहले इन जिलों में बालू का खनन होता था, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी की वजह से ये भी ठप है। जनता दरबार में मामले आते ही मुख्यमंत्री ने अफसर को लगाया फोन। आज यानी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून महीने का दूसरा जनता दरबार लगाया है। आज जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग सहित कई मामलों की सुनवाई की। इस बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने स्वजन की कोरोना संक्रमण से एक साल पहले हुई मौत की शिकायत लेकर जनता दरबार में शामिल होते वो देखे गए। इसमें उन्होंने बताया कि सिटी स्कैन में कोरोना संक्रमण का पता चला था। इसके बाद अगली सुबह आरटीपीसीआर जांच करानी थी, लेकिन मरीज की जान चली गई। विभाग ने अब तक मुआवजा नहीं दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसर को तुरंत फोन लगाकर इस समस्या का समाधान करने को कहा है। 5 महीनों में 1297 बार बिहार पुलिस पर हुए हैं हमले। बिहार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है, वो भी अपने जान को जोखिम में डालकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीने में पुलिस को 1297 बार अपराधियों के हमले का शिकार होना पड़ा है। साल जनवरी से मई तक पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के दौरान 27,059 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस पर हर महीने औसतन 259 हमले किए गए। अगर प्रति महीने बात करें तो जनवरी में 374, फरवरी में 211, मार्च में 227, अप्रैल में 190, वहीं मई में 295 बार हमले हुए हैं। एक साल में 64,799 नवविवाहित जोड़ों को दिए गए पहल किट। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार की स्वास्थ्य विभाग सजग है और लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए नवविवाहित जोड़ों को जागरूक कर रहे हैं। नवविवाहित जोड़ों को नई पहल किट दी जा रही है। नई पहल किट में एक जूट का बैग होता है, एक ग्रूमिंग बैग होता है और साथ साथ विवाह पंजीकरण फॉर्म होता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिलों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवविवाहित जोड़ों के बीच नई पहल किट का वितरण किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 64,799 नवविवाहित जोड़ों को नई पहल किट का वितरण किया गया है। लगातार तीसरे दिन आए 8,000 से ज्यादा मामले। देश भर में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 8,084 नए मामले मिले हैं, 10 लोगों की जान गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि कोरोना से रिकवरी रेट 98.68% है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 4,592 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कांग्रेस नेता पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में उतरे बिहार कांग्रेस कार्यकर्ता। 13 जून को ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस सिलसिले में राहुल गांधी के समर्थक और बिहार कांग्रेस उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इनका कहना था कि जब तक राहुल गांधी ससम्मान ईडी कार्यालय से बाहर नहीं निकल आते, तब तक वो कार्यालय के बाहर ही रहेंगे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी सहित उनकी बहन प्रियंका गांधी भी ईडी कार्यालय दिल्ली पहुंची थी। ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध पूरे देश में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ऐसे में पटना के ईडी कार्यालय के समक्ष भी कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का साफ साफ आरोप है कि जानबूझकर गांधी परिवार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह की पूछताछ राहुल गांधी से करवा रही है। एक से ज्यादा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे एमपी एमएलए। चुनाव आयोग चुनाव सुधार की दिशा में नए प्रावधान लाते हुए निर्वाचन आयोग अब कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की कोशिश में आगे बढ़ा है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने के बाद चुनावी प्रक्रिया में कई तरह के फेरबदल करने का सुझाव दिया। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आयोग चाहता है कि एक व्यक्ति को किसी भी चुनाव में सिर्फ एक ही जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। आयोग ने जनमत संग्रह और एग्जिट पोल के प्रस्ताव में भी तब्दील करने का सुझाव दिया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने के लिए अधिसूचना जारी की है। साथ ही पात्र लोगों को मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की लिमिट भी 4 कर दी है। श्रेयस अय्यर ने 40 रन की पारी खेलकर तोड़ दिया युवराज सिंह का रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में कटक में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। इस मैच में सबसे बड़ी पारी श्रेयस अय्यर ने खेली और 35 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 40 रन बनाए। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली 34 पारियों में सबसे ज्यादा 885 रन बनाकर श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर आ गए हैं। उनसे पहले इस मामले में युवराज सिंह चौथे स्थान पर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए
सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, रंजीत मिश्रा, महेश दास, कुमार कौशल सिंह, नुन्नू कुमार, नीतीश कुमार, कुश कुमार, सतीश कुमार, गोल्डन कुमार यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारतीय क्रिकेट टीम में आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।